डेस्ट डांस कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो यदि आपने देखा होगा तो लाइंस एंड एंगल्स में हमने कई प्रकार के एंगल्स के बारे में पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़े थे कि जब दो लाइनें एक दूसरे को काट रही थी या कोई बीच से लाइन काट रही है तो किस प्रकार के एंगल बनते थे। जैसे एडजेसेंट एंगल पढ़े थे, फिर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल पहले भी पढ़ चुके हैं आगे पिछला वीडियो जो था। तो ए लाइन एंड ए ट्रायंगल्स में अभी एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगला टॉपिक आता है जब दो लाइंस यानी कि दो लाइंस पैरेलल रहें और बीच से एक लाइन काटे, उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। यानी कि दो समांतर लाइन रहें, समांतर रेखाएं रहें, ऐसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तो पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, जब दोनों को यदि दोनों ओर बढ़ाएं, इधर भी बढ़ाएं, इधर भी बढ़ाएं, इसको इधर बढ़ाएं और इसको भी इधर बढ़ाएं, तो दोनों कभी भी ना काटें, एक दूसरे को कभी कट ना करें या एक दूसरे पर बराबर दूरी पर है, ये भी कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बारे में शुरुआत में बताए थे, पैरेलल लाइंस कौन कौन है। तो एल लाइन जो है पैरेलल है एम के, तो पैरेलल का साइन ऐसे लगाते हैं, समझ लीजिए दो गो एल लिख दिए मतलब पैरेलल है, दो गो लाइन बना दिए सीधा सीधा, तो ऐसे होगा एल पैरेलल टू एम। एल लाइन जो है वो एम के पैरेलल है यानी कि समांतर है। तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसको कोई एक तीसरी लाइन ऐसे काट रही है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। इसको मान लेते हैं नाम दिए के लाइन। इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल जो इसको इंटरसेक्ट की है, काटी है इन दोनों लाइनों को, ठीक एकदम सीधा लाइन है, ऐसे स्केल रखेंगे काट देंगे। तो जिस पर ये कट की है, ये दो पॉइंट बन रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट है, एल को एक पॉइंट पर काटी और यहाँ पर एम को एक पॉइंट पर काटा, कौन सा लाइन, के लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा यानी कि तिरछा रेखा जो इसको काट रही है, या इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं। तो बीच से जो इसको काट रहे, बीच से या किसी भी एंगल से, ठीक तिरछा काटती है, ऐसे भी काट सकती है, इधर से ऐसे भी काट सकता है, तो दोनों पॉइंट पर कट करे दोनों लाइन को, ठीक। आगे क्या है, आगे इसमें कई को प्रॉपर्टीज हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कितने एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ पर, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल ऐसे नीचे, चौथा यहाँ पर, पाँचवा यहाँ पर, छः सात आठ, इसका नाम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया एंगल्स का नाम लिखे हैं, कितने प्रकार के कोण बन रहे हैं, आठ कोण बन रहे हैं, इसमें आठ कोण हैं। इन आठों कोणों में एक रिलेशन है, एक दूसरे से किसी न किसी तरह से सब जुड़े हुए हैं, एक जैसे ही हैं। यानी कि यदि कोई भी एक एंगल इसमें दे दे, ठीक दो लाइन रहे पैरेलल एक ट्रांसवर्सल, इसमें से कोई भी एक एंगल एक कोण दे दे 70 डिग्री 20 डिग्री जितना भी, उसके हिसाब से बाकी सभी आठों एंगल्स जो बाकी सात बचेंगे उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको डिटेल में जानेंगे। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी आता है करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहता है, हिंदी में इसको कहते हैं संगत कोण, संगत कोण यानी कि साथ साथ वाले कोण। तो ये प्रॉपर्टी जो है, जितने गुण हैं इसमें, वो सब सीखने के लिए आपको याद रखना चाहिए शीर्षाभिमुख कोण क्या था यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या था, और लीनियर पेयर के बारे में जो बताए थे रैखिक युग्म कि एक लाइन बन रहा है तो इन दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो 180 मिलता है, 180 डिग्री बनता है एंगल एक और एंगल दो, ऐसे एक लाइन बना रहे हैं, ऐसे काट रहा है एंगल एक एंगल दो, जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री। ये बस नाम दिए हैं, फर्स्ट एंगल है सेकेंड है, इसको कितने भी डिग्री का हो सकता है, हो सकता है 60 डिग्री बराबर हो तो ये 120 होगा, दोनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। इसी को कहते हैं लीनियर पेयर है, एंगल एक प्लस एंगल दो। एंगल बनाना बताया था ऐसे लिखते हैं एंगल का नाम, छोटा सा एंगल बनाते तिरछा और इसको ऐसे लिखते हैं कि एंगल फर्स्ट है एंगल सेकंड है, दोनों जोड़ेंगे 180 यानी कि लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है लीनियर पेयर, ये रिवीजन हो रहा है। ऐसे ही एक लाइन दूसरी लाइन को ऐसे काट रही है, इसमें कहाँ काट रही है, ये देखिए ये लाइन जो आ रहा है के वाला ऐसे आ रहा है और ये एक लाइन ऐसे है, तो इसको देखेंगे तो ऐसे एक लाइन है एल वाला और के वाला ऐसे जा रहा है, तभी तो इसी को समझ लीजिए ऐसे घुमा दिए हैं, तो यहाँ पर भी कोण बन रही है, ये कोण इसके बराबर होता है, ये यदि 60 डिग्री तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली
अपोजिट एंगल, ये प्रॉपर्टी था, ये भी बताए थे कैसे है, प्रूफ भी बताए थे एग्जाम्पल के साथ। ये यदि 120 डिग्री है तो नीचे वाला कितना होगा, जब पूछेंगे नीचे वाला कितना होगा, ये तुरंत कहेंगे लपक के कि 120 होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये है उतना ये भी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में कहते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी याद रखना है दोनों भी, क्योंकि यही समय है सीखने का, हिंदी में भी पढ़िए इंग्लिश में भी, दोनों याद रखना जरूरी है। इसलिए है क्योंकि कहीं कहीं हिंदी भी काम दे देता है, यदि इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो भी, या इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। तो जिसमें समझ में आए दोनों में समझिए, बेटर यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, संगत कोण क्या प्रॉपर्टी है, संगत कोण के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक ये रिवीजन था इधर, इसी में देखेंगे। संगत कोण कहता है कि कोण एक जो है, फर्स्ट कोण, ये एंगल पाँच के, यानी कि कोण पाँच के बराबर होगा, एंगल फर्स्ट बराबर होगा एंगल फाइव के। तो करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये एंगल इसके बराबर। दूसरा, एंगल टू जो है एंगल सिक्स के बराबर होगा, एंगल टू इक्वल होगा एंगल सिक्स के। क्यों होगा ये बता रहे हैं अभी। आगे, एंगल फोर जो है एंगल एट के बराबर होगा, एंगल फोर जो है एंगल एट के बराबर होगा। ऐसे ही एंगल थ्री जो है एंगल सेवन के बराबर होगा, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल सेवन। ऐसा है क्यों, जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है, बराबर दूरी पर है, सेम इसी के जैसा ही है, एकदम कॉपी है, समझ लीजिए फोटो कॉपी है। ये लाइन एल एम जैसा ही है, ये 20 से उतने ही तिरछा काट रही है जितने डिग्री पे इसको काटेगी। क्यों? यदि इसको 20 से यहाँ से जहाँ ज्वाइंट है यहाँ से काट दें, इसको जो के वाला लाइन है 20 से काट देंगे। अब इसको उठा के इस पे रखें तो ये जो ओवरलैप करेगा, एंगल 2 आएगा एंगल 6 पर, एंगल 1 आएगा एंगल 5 पर, ठीक इसी तरह एंगल 3 आएगा एंगल 7 पर, एंगल 4 आएगा एंगल 8 पर आएगा, क्योंकि इसी को उठा करके इस पे रख रहे हैं तो एकदम एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ये प्रैक्टिकल इसका क्या है, प्रूफ है। तो इस तरह देखेंगे, एंगल एक बराबर आया ऊपर वाला एंगल बराबर आया एंगल पाँच के, इसमें जो ऊपर वाला है इधर इसी की साइड का। तो यदि ये 120 डिग्री है, अभी एग्जांपल से भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर देख ही लेते हैं, ऐसे दो लाइन है लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए, समांतर, समांतर रेखा होनी चाहिए, समांतर रेखाएं, और इनको कोई एक तिरछा काटे, ऐसे भी काट सकता है, जैसे वैसे काटें वैसे भी हो सकता है। अब इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये यदि एंगल रहता है हमारा यहाँ पर 150 डिग्री, ठीक, क्योंकि बड़ा है तो ये भी कितना होगा 150 डिग्री, इसी के सिधाई वाला नीचे वाला, यहाँ जो है इसी की सिधाई में, ये वाला नहीं होगा, ये कम दिखने में ही लग रहा होगा, ये कम है तो ये किसके बराबर होगा। अब देखिए, ये 150 है तो ये होगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक सीधा लाइन बन रहा है तो इसका और इसका जोड़ कितना आना चाहिए 180 डिग्री, अभी बताया है लीनियर पेयर, इसीलिए इन दोनों का जोड़ 180 आएगा तभी सही है, सटीक है। तो यदि ये 150 दे दिया है तुरंत ये जान जाएंगे कितना है, 30 डिग्री। ये 150 है, ये एंगल पूछ दिया क्या होगा, तो 150 ये भी होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ऐसे ही ये कितना होगा, ये यदि 150 है तो ये भी कितना होगा 150। इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी, 30 डिग्री, सीधाई वाला 30 डिग्री, ये हो गया हमारा संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही ये 150 आया है, इसका शीर्षाभिमुख कोण है यानी कि इसके तिरछा, ये लाइन इसको ऐसे काट रही है, इसके तिरछा ये है 150, तो इसके नीचे वाला ये एंगल इसके बराबर होगा, ये भी 150। ऐसे ही ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 30 डिग्री बराबर होगा इसके 30 डिग्री के। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो ये एंगल, इस एक एंगल से हम लोग बता दिए कि पूरा सभी एंगल क्या होंगे, ऐसे ही निकालना है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जिससे एसी से लग जाएगा सभी क्वेश्चन, लेकिन इसकी वजह से और भी प्रॉपर्टीज आती है जिससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो पूछेगा वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया होगा, एंगल एक बराबर होगा एंगल पाँच के, एंगल दो की जगह आएगा एंगल छः के बराबर, ये दोनों बराबर हैं। यदि ये वैल्यू दिया है, ये पूछा तुरंत बता देंगे, ये जो होगा वही इतना भी होगा। ये एंगल तीन दिया है तो एंगल सात पूछेगा, दोनों बराबर हैं वही लिख देंगे, एंगल चार बराबर एंगल आठ है, तो ये याद रखेंगे। लाइन ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में, या अन्य टाइप का भी दे सकता है, ऐसे भी कि दो को लाइन देगा ऐसे पैरेलल है ऐसे काट रहा है, तब ये कोण इसके बराबर है, दिमाग में इसको सीधा कर देना है।
ऐसे ही ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो इसको दिमाग में सॉल्व कर लेना है कि कौन किसके बराबर आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसमें अगला टॉपिक क्या है। अब यहाँ फिर से बना देते हैं, दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, समान दूरी पर है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे काट रही है। ऐसे ही बना दे मैक्सिमम टाइप, क्योंकि समझने में आसानी रहता है। तो ऐसे हो गया, ये L है, M है, K है, L M पैरेलल है, L पैरेलल टू M, ये कंडीशन फिक्स्ड है, होना ही चाहिए। और ये ट्रांसवर्सल है, तिरछा काट रहा है K वाला, ठीक। अब क्या होगा, अब अगला प्रॉपर्टी आता है हमारा यहाँ पर, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, या इसको एक और नाम देते हैं वैकल्पिक वैकल्पिक अंतःकोण। दो नाम है हिंदी में, अल्टरनेट मतलब एकांतर अंतःकोण क्यों कहते हैं, क्योंकि अंतर पे पड़ता है, जैसे अंदर की कोण की बात करेंगे, ये कोण इसके बराबर बताए हैं, लेकिन यहां पर देखिए ये वाला जो कोण है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहता है, अंदर कितने कोण हैं, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, इसको मिटा देते हैं, और ये एक कोण है, ये एक कोण, मतलब कि अंदर की तरफ जो है इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर बीच में कितने कोण हैं, एक दो तीन चार, ठीक। तो इनका नाम दे देते हैं, मान लेते इसको एक्स कहेंगे, इसको वाई, इसको डब्ल्यू, इसको जेड नाम दे देंगे। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहता है कि ये जो एंगल एक्स है ये बराबर होगा एंगल जेड के, एंगल एक्स बराबर होगा एंगल जेड के। ऐसे ही मतलब कि ये वाला जो कम एंगल लग रहा है इधर छोटा सा, ये इस छोटे वाले के बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है ये इस बड़े वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ऐसे लाइन में बड़ा एंगल बन रहा है, ऐसे छोटा बन रहा है, ठीक। तो y वाला बराबर होगा w के, तो एंगल y बराबर होगा एंगल w के। तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल समझे, यदि ये आपको दे दे 40 डिग्री, ठीक, तो एंगल z पूछ दे क्या होगा, 40 डिग्री क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए होगा, एकांतः अंतःकोण है या एकांतर अंतःकोण है, और वैकल्पिक अंतःकोण है ये भी कह सकते हैं हिंदी में। तो x बराबर z है इसीलिए इसके बराबर है। यदि ये 40 है तो ये एक लाइन बन रहा है, तो y क्या होना चाहिए, 140, 180 में से घटा दीजिए मिल जाएगा y 140। तो यदि ये 140 है तो ये कितना होगा, ये भी 140 होगा, एकांतः अंतःकोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब तिरछा है, उल्टा, ऐसे ये नहीं कि ये वाला इसके बराबर, नहीं, ये वाला इसके बराबर क्यों है देखते हैं। अभी हमने बताया संगत कोण में कि ये जो कोण है ये एंगल इसके बराबर था, ठीक, इसको मान लेते हैं, नाम देते हैं एक, तो एंगल एक बराबर एंगल जेड था। ये एंगल यदि 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये लाइन इसको ऐसे काट रही है, एक लाइन ऐसे काट रही है, ये यक्स है, तो ये एंगल एक है, ये इसके बराबर होगा। यदि ये इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है जेड के, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए, क्यों, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 आया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये 40 है तो ये भी 40 होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि ये जो एक्स है जेड के बराबर है, यानी ये 40 तो ये भी 40 होगा, ठीक। इसी तरह इसका भी यही प्रूफ है कि ये यदि 140 आया तो ये भी 140 होगा, एंगल वाई एंगल डब्ल्यू के बराबर होगा। ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर, संगत कोण यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल इस एंगल के बराबर वाई होगा, और ये वाई बराबर होगा डब्ल्यू के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से हो जाएगा, तो ये वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी डायरेक्ट ही कह देंगे कि वाई बराबर डब्ल्यू होगा, एक्स बराबर जेड होगा। तो यहाँ पर समझ में आया होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है इसी प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, वही वैकल्पिक
या एकांतः वैकल्पिक बहिर्कोण या बहिष्कोण कह सकते हैं। बहिष्कोण यानी कि बाहर का कोण है ना। तो इस प्रॉपर्टी ये क्या कहता है कि बाहर वाले एंगल है। अब बाहर कौन एंगल है, अंदर वाले तो ये चारों थे, बाहर ये के एक ये एक ये और ये के चार एंगल। यहाँ समझते हैं लाइन बना करके, ऐसे देखिए ये एंगल ये एंगल ये वाला और ये वाला, ये सब क्या है बाहर के कोण हैं। तो इन सब में आपस में रिलेशन है कैसे, ये जो कोण है ये इस वाले के बराबर होगा। अल्टरनेट मतलब तिरछा, ऐसा नहीं सीधाई वाला इसके बराबर नहीं, ये वाला इधर वाले के बराबर, ये वाला इधर वाले के बराबर। देखने से भी लग रहा है बड़ा है तो बड़े वाले के बराबर होगा, छोटा है छोटे वाले के बराबर होगा। क्यों होगा, नाम दे देते हैं एक दो तीन चार। तो एंगल एक एंगल चार के बराबर, एंगल एक एंगल तीन के बराबर, एंगल दो एंगल चार के बराबर आएगा। तो ये कहता है एंगल एक बराबर एंगल तीन, अभी प्रूफ देख रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। तो एंगल एक बराबर एंगल तीन, एंगल दो बराबर एंगल चार हो जाएगा। अब समझते हैं क्यों है, ये जो कोण है ये वाला, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, ये बताएं करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको नाम दे देते हैं, ये भी एंगल दो होगा ठीक, यही नाम दे देते हैं क्योंकि इसके बराबर है। तो ये एंगल दो है और ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल दो बराबर एंगल चार। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली ये लाइन इसको काट रहा है, ऐसे लाइन काट रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर। तो दो बराबर चार, दो बराबर चार ऐसे कहें चाहे डायरेक्ट कह दें दो बराबर चार, तो क्योंकि था तो यही दो यहाँ आया था करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। तो उसी एक प्रॉपर्टी का यूज करके सभी को यहाँ पर प्रूफ ला रहे हैं। तो ये हो जाएगा एंगल दो बराबर एंगल चार, इसी तरह से ये वाला एंगल एंगल तीन के बराबर हो जाएगा। ये अपने सोच लेंगे, तो अपना दिमाग लगाएंगे तो और चीज़ भी सीखेंगे कैसे है क्या है और कौन सा प्रॉपर्टी लगता है। आगे पढ़ते हैं, अगले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसमें क्या है और समझते हैं। तो यहाँ पर अगले टाइप का यहाँ पर प्रॉपर्टी है इसमें, जो बुक में भी नहीं दिया है, तो ये एनसीईआरटी में दिया है कई किताबों में। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है इस एंगल्स एंगल सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या कुछ और नाम हो सकता है, हो कई किताब में। ये क्या कहता है, ये भी कहीं कहीं लग जाता है, डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी में कह सकते हैं आंतरिक कोण युग्म, आंतरिक कोण युग्म, छोटा सा टॉपिक है युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, मतलब कि ऐसे कोण जो अंदर के कोण हों और सेम साइड मतलब ट्रांसवर्सल, जो तिर्यक ये रेखा रही ना ट्रांसवर्सल, इसके सेम साइड हो और अंदर हो, या एंगल सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या अल्टरने इंटीरियर सम ऐसे भी ले सकते हैं, इंटीरियर सम यानी कि आंतरिक जो कोण है ये वाला और ये वाला, अंदर के कोण है सेम साइड मतलब एक ही तरफ के। अभी अल्टरनेट में क्या था, इधर वाला तो इधर वाला लेते थे, इसमें क्या है ये वाला, तो एंगल इक्वल था। ये कहता सम यानी कि इधर का जो है और इधर का एंगल जब जोड़ा जाए, मान लेते ये एंगल रहा होगा 120 डिग्री और ये 60 डिग्री, जब दोनों जोड़ा जाए तो 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो ऐसे दे देगा, ये 120 दे देगा, ये गायब कर देगा। अब पूछेगा ये यक्स क्या है, तो कहेगा ये 120 डिग्री है तो यक्स क्या होगा, इसको क्वेश्चन से समझ सकते हैं। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो एक और का जो कोण है, उन दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री जोड़ने पाना चाहिए। तो कोई एक एंगल गायब किया तो उसको निकाल लेंगे, वो यक्स है तो एक्स प्लस 120 बराबर आना चाहिए 180, एक्स प्लस 120 सेम साइड है, ट्रांसवर्सल है, अल्टर इंटीरियर एंगल है, अंदर के कोण हैं, दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। यही ये प्रॉपर्टी कहता है, दोनों का जोड़ सेम साइड के ओर 180 होना चाहिए। तो x बराबर क्या होगा, प्लस 120 है उधर का तो माइनस होगा, तो 180 माइनस 120 और यहाँ पर निकल गया हमारा 60 डिग्री x बराबर। तो यदि ये 60 डिग्री आया तो यहाँ पर देखेंगे ये कोण इसके बराबर था, ये भी 60, तो ये लाइन बन रहा है, तो 160 और 120 जोड़ेंगे 180 मिलेगा, यानी कि सही है। ऐसे ही ये भी क्या होगा, ये 120 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से, ये कोण इसके बराबर और इन दोनों का जोड़ 180 मिलेगा। तो प्रॉपर्टी का था इधर का एंगल जोड़ें दोनों जो अंदर के हैं, या इधर का एंगल जोड़ें, 180 मिलेगा दोनों ओर। तो ऐसे जोड़े रहते हैं, ऐसे युग्म रहते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ये लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ पर ये मान लेते हैं L है M है, ये P है,
ये एंगल, ये एंगल, इसमें से हम एक एंगल देंगे, कौन सा एंगल, ये वाला, ये है यहाँ पर 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। इसके हिसाब से बताना है कि ये एंगल क्या होगा, इसको नाम दे देते हैं एक्स, और बताना है ये वाला एंगल कितना होगा, इसको नाम दे देते हैं वाई। तो एक्स और वाई को बताइए कितना होगा, फाइंड एक्स एंड वाई, यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।